मज़ेदार सा मसाले वाला कुलचा, ठीक है, बहुत मज़े का, बड़े मज़ेदार से हम बनाते हैं यहाँ पर कुलचे, जो मसाले वाले कुलचे हैं। तो पहले इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ, ठीक है। स्पाइसी कुलचे के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 6 कुलचे, 100 ग्राम मक्खन, नमक आधी चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, इसके साथ हमें जीरा चाहिए 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें कटी हुई 4 खाने के चम्मच, हरा धनिया आधी गड्ढी है, पिसे हुए टमाटर 1 कप चाहिए, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच चाहिए, 1 अदर लच्छे में कटाई किया हुआ प्याज चाहिए, और साथ में हमें 1 कप चाहिए इसके अंदर तकरीबन पानी 1 कप ले लीजिएगा, जो कुलचों को हमने थोड़ा सा नरम करना है। और साथ में हमारे पास है सोया सुप्रीम ऑलिव कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, जो बेहतरीन ऑयल है, ठीक है। तो यहाँ पर बड़े मज़ेदार से कुलचे ले लीजिएगा। ये सिंपल आपने आटा लेना है सफ़ेद वाला, उसके अंदर आपने ईस्ट डालनी है, नमक डालना है, थोड़ा सा ऑयल डालेगा, और उसके बाद भून के आप इस तरह से कुलचे बना सकते हैं, जो बहुत दफ़ा मैंने आपको बता चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक बॉल लेंगे जिसके अंदर हमने पानी डालना है, इसके अंदर इसको डिप करना है, और इसके बाद हमने इसको यहाँ पर फ्राई करना है, ये यहाँ पर डाल देते हैं, सही है। और ये मैं आपको बताती हूँ प्याज, प्याज के, ठीक है, एक बस एक छोटी सी प्याज चाहिए थी, ये लच्छे में बाद में चल जाएगी, और ये यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा प्याज का भी मसाला बना देती हूँ, और इसको बंद कर देते हैं, ये वैसे हो चुका है। और हमारी जो फर्स्ट रेसिपी थी जो हमने बनाई थी चिकन अंगारा, वो भी रेडी हो चुकी है। अच्छा जी, इसके ऊपर जाएगा ये प्याज, गरम है तवे पे बनाएगा तो बहुत अच्छे बनेंगे, ठीक है। इसके अंदर जाएगा सोया सुप्रीम ऑलिव कुकिंग ऑयल, बेहतरीन ऑयल ये जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमने यहाँ पर फ्राई करना। अब यहाँ पर जब तक वो ब्राउन हो रहा है मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे पास है पिसे हुए टमाटर, इसमें जाएगी लाल मिर्च, ठीक है, इसके बाद इसमें जाएगा नमक, नमक के साथ पिसा गरम मसाला, चाट मसाला बाद में डालूंगी, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा आपने नमक, नमक 2 दफ़ा डाल दूँगी, हरी मिर्च को बारीक काट लेंगे। अब ये देखें, अब ये इसके ऊपर जाएगा, ये प्याज थोड़ा सा ब्राउन हुआ, हरी मिर्च चली जाएगी इसके अंदर, बटर भी अभी जाएगा, थोड़ा सा आप हरा धनिया भी डाल दीजिएगा इसके अंदर, ये हरा धनिया, ठीक है, चाहे तो कड़ी पत्ते भी आप डाल सकते हैं, बड़े मज़े के। अच्छा, ये जिस तरह से हमारे घर में बच जाते हैं नान कुलचे बन जाते हैं लेफ्ट ओवर, आप वो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। और इसके अंदर जाएगा ये 100 ग्राम के इतना बटर, ठीक है, 100 ग्राम मक्खन। अच्छा, ये सारी चीज़ें, चाट मसाला मैंने अभी नहीं डाला, मैं अभी डालती हूँ, वो भी थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए। अब एक एक कुलचे को आपने लेना है, पानी में डिप कीजिएगा, ठीक है, पानी में डिप करने के बाद ये मैं यहाँ पे रख, बाद में लच्छे में प्याज भी जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से डिप करके भी, मैंने जिस तरह से आपके घर में अक्सर ये होता है रोटियाँ बच जाती हैं रात की, नान बच जाते हैं, उनको अभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले इसको थोड़ा सा डिप करके आपने रख लेना, बड़े मज़े की होते हैं ये, मैं बताती हूँ ना, मैं कोई ना कोई चीज़ अपने घर में ट्राई करती हूँ और फिर वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये घर में अक्सर बच जाते थे नान, मैंने कहा इसको क्यों हम वेस्ट करें, क्यों हम ज़ाया करें, क्यों ना इसका कुछ ना तोड़ जोड़ तो निकालें। ये मैंने तोड़ जोड़ निकाला और ये बड़े मज़े के, ये देखें, ये अभी इसका मसाला हुआ रेडी, मिर्चें हरी मिर्चें ये सारी तैयार होगी, थोड़ा सा इसको इस तरह, ठीक है, चलें। अब आपने क्या करना है, इसको इस तरह से, या आप फ्राई करेंगे आप खुद कहेंगे वाकई बड़े मज़े के बने, बहुत मज़ेदार ये बनते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मसाले में कोट हो रहे हैं इस तरह से, अभी दोबारा फिर मैं इसको पलट दूंगी, लेकिन थोड़ा सा ये देखें क्या, ठीक है जी, बस।